पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस और फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश फहीम एटीएम पुलिस की गोली से घायल हो गया, तो वहीं पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। 1.5 माह पहले पुलिस के सिपाहियों को कमरे में बंद कर शातिर बदमाश फहीम एटीएम फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार शातिर की तलाश कर रही थी। आपको विदित होगा कि 1.5 माह पहले ये बिजनौर से मुरादाबाद पेशी के वक्त भाग गया था और तब से फरार था, और लगातार पुलिस इस पर दबिशें कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी और बयासी की गई थी इसकी। इस पर इनाम भी लिया गया था। आज ये पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया और उसको पकड़ा गया है। और मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को चोट लगी है, उसको भी अस्पताल भेजा गया, उसकी भी इलाज किया जा रहा है। कितना इनाम था इस पे 1 लाख का इनाम था ईडीजी जोन की तरफ से। करीब ये 1.5 माह से फरार था। इसके अलावा भी और भी आपराधिक मामले, इसके तकरीबन 2 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले थे और हत्या लूट चोरी के विभिन्न प्रकार के इसके यूपी के मुकदमे थे, और ये बाहर के स्टेटों में भी जाके चोरी और लूट करता था, जैसे कि साउथ में आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका में भी इसके मुकदमे हैं और वहाँ पे भी ये सक्रिय अपराधी रहा है और आज ये पुलिस के चंगुल में आया। एक ही सिपाही घायल है। हाँ, एक सिपाही। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।